फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिलिंग दीवाना उमंग। सो आज हम नाइट राइड कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:30 एंड हम लोग जा रहे हैं नरीमन पॉइंट। और मेरे साथ में अभी यहाँ से एटलीस्ट 7-8 राइडर्स हैं। सो हम अभी चालू करते हैं। सो हम लोग देखे थे कुल्ला से निकले हैं एंड टूवर्ड साइन जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग साइन पहुंच गए हैं। सो देख सकते हैं आगे बाकी के राइडर्स चल रहे हैं। नाइट राइड इज फन। अपने ही व्लॉग में अपना फेस दिखाना भी ज़रूरी है। सो हियर आई एम, देखो मुझे। सबको ओवरटेक करके मैं आगे खड़ा रहकर इनका वीडियो निकालने के लिए रुका हूँ मैं। ये देखो सब लोग आ रहे हैं अभी। बस ये एक बंदा पीछे रह गया है। ये ओके, अब इसको मैं फॉलो करता हूँ। उनका वीडियो लेते लेते मैं पीछे हो गया हूँ। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अपनी पावर लगेगा। हाउस शेट, वाह। मैं एक ही हाथ से चला रहा हूँ तो आई टू बी केयरफुल, ब्रेक मारने में ध्यान रखना पड़ेगा। ये आ गया लोकेश। एंड ये दिख रहे हैं बाकी के लोग। सिग्नल है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से। चलो 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 चलो। अब यहाँ पे वीडियो लेते लेते एक कार वाला मुझसे बातें करने लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। ध्यान है काका, ध्यान है, टेंशन मत लीजिए। ये बीच में रोक के क्या कर रहे हैं? गाइस, आप लोग ने भी सुना, ये रेस बोल रहा है। ठीक है, साइकिल वाले से रेस करना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड। अरे काका, आप अपने ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। काका क्या कर रहे हैं? रेस करने थोड़ी ना आया हूँ मैं। यार पता नहीं वैगन वाले चाचा की क्या प्रॉब्लम है, साइकिल के साथ रेस करना चाह रहे हैं। क्या बोलना है अभी इनको। मुंबई के रास्ते में हर तरह के लोग मिल जाते हैं। वैगनर वाले चाचा को इग्नोर कर हम लोग अपनी राइड आगे कंटिन्यू करते हैं एंड अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। अब हम माटुंगा तक पहुंच गए हैं। सो टाइम हुआ है 12:20। सो 12:20 तक हम लोग माटुंगा क्रॉस कर रहे हैं। ये है नरेश। नरेश को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ अभी एंड देख सकते हैं नरेश मुझे फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ अब मुझे आगे हसन चल रहा है। हसन को ओवरटेक करके मैं दिखाता हूँ हसन कौन है। बस अब ये देखिए, ये है हसन। हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। अब हम बाइकला ब्रिज पर चढ़ रहे हैं। मेरा आगे लोकेश चल रहा है। प्रॉब्लम नहीं रही है।
हाँ लोकेश की साइकिल के पैडल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। पहले बाइकला से सी एस एम पी तक हम लोग पहुँच गए हैं, बट यहाँ से लोकेश आगे नहीं। आप ओमकार भी एक्साइटेड है वीडियो में आने के लिए। लोकेश के साइकिल का पैडल ही बाहर आ गया था, तो वो वहीं से फिर टैक्सी लेके निकल गया अपने घर के लिए। और हम लोग आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स गेट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम हम लोग सुबह सुबह गए थे, पर इस बार हम लोग रात में जा रहे हैं, सो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होगा हमारे साथ में। आप लोग भी एंजॉय करो। पीछे से बस आ रही है, हमको एक साइड में लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। लेफ्ट 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 ये क्या हॉर्न सुन के बस लग रहा था निकली टैक्सी। खैर कोई नहीं, हमको तो सेफ्टी चलाना है। पीछे देख के रात को ऑलमोस्ट एक बज गए। आप देख सकते हो कि इधर ट्रैफिक मूवमेंट है। ये है मुंबई मेरी जान, मुंबई नेवर स्लीप्स, इट्स ऑलवेज लाइवली। थोड़ा ही आगे लेफ्ट हैंड साइड पे देश है, टिक सोसाइटी ऑफ मुंबई आने वाला है। एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत से लोग अपने फोटोस वगैरह निकालते हैं। देखते हैं अभी हम भी। ये देखो फ्रेंड्स, रात के एक बजे भी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। यहाँ पर फोटोशूट करने के बाद मैं अपना एक हंसते हुए वीडियो ले रहा हूँ। देखिए तो हम गेट ऑफ इंडिया फाइनली पहुँच गए हैं। एंड इतना रश यहाँ पे देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमेशा यहाँ पे इतना रश रहता है कि क्या बात है। पर आज जब मेरे ख्याल से कोई तो शूटिंग चल रही है यहाँ पे, इसीलिए इतना रश है। सो देखते हैं हमें भी कुछ देखने मिलता है कि नहीं। डाउटफुल है कि शूटिंग का कुछ पार्ट देखने मिलेगा, बट रश देख के तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100% शूटिंग चल रही है। शूटिंग नहीं सही, गेट ऑफ इंडिया ही देख लो, कितना मस्त दिख रहा है। हम दांत दिखाते हुए वीडियो ले रहे हैं। एंड ये ओंकार है जो मेरे साथ पिछले संडे भी राइड पर था। ये है मुंबई की ताजमहल होटल, जहाँ एक रूम बुक करने में तेरा घर चला जाएगा। जोक्स अपार्ट, बट फ्रेंड्स सच्ची में बहुत कॉस्टली है ये। सो गेट ऑफ इंडिया को बाय बाय करते हुए हम लोग चलते हैं नरीमन पॉइंट की साइड। ट्रैफिक को पार करते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे। ऐसे मतलब ट्रैफिक में से निकालने का भी साइकिल अलग ही मज़ा आता है। ये कार्स को ओवरटेक करना क्या अच्छा लगता है। क्या कट मारा है, ओहो चल दो, चले चलो चले चलो 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 ओ डाउन, चलो 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 चलो। अभी रोड क्लियर है, निकलना है सीधा नरीमन पॉइंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये मेरा थर्ड व्लॉग है, आई होप सो कि डे बाय डे ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा हो। एंड अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। सो ऑलमोस्ट 1:30 AM को हम लोग नरीमन पॉइंट तक पहुँच गए हैं। एंड नरीमन पॉइंट में से रात के टाइम पे तो नॉर्मली यहाँ पे अभी पुलिस लोगों को बैठने देती नहीं है, बट हम लोग साइकिलिंग करते हुए यहाँ से पास हो जाएंगे एंड आप लोगों को व्यू दिखाते हैं।
यहाँ पे हमें हसन बता रहा है कि पुलिस लोगों को यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देती है, बट हमें भी यहाँ पे ज़्यादा रुकना है नहीं, साइकिलिंग करते हुए निकलना है हमें। रात के 1:30 बजे नरीमन पॉइंट पर इतना ट्रैफिक, ओहो, थोड़ा संभल के निकलना पड़ेगा, बच के संभल के जान से। अरे ये तो नाकाबंदी है इसीलिए इतना ट्रैफिक, ओहो। तो नाकाबंदी के बाद में रोड एकदम क्लियर है, देख सकते हैं हम लोग भी आराम से चल रहे हैं। गिरगांव चौपाटी पहुँच कर यहाँ बैठ के हम लोग रूट डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से रूट से रिटर्न जाना है, सबका अलग अलग प्लान है। यहाँ से निकलने के पहले मैं एक बार फिर अपने दांत दिखाते हुए अपना वीडियो ले रहा हूँ। अब हम लोग मोटर बाइक के घर की तरफ निकले हैं, मेरा मतलब है मुकेश भाई अंबानी। हो सकेगा तो उनके घर पे चाय पीते हुए निकलेंगे, बट ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। मोटर बाइक का घर भी आ गया, बट रात को 2 बजे चाय के लिए डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लग रहा है, सो अगली बार आएंगे हम। सो अभी इनको बाय बाय करते हुए हम लोग चले जाते हैं नीचे से ही। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आज के रिजर्वेशन के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ से सब लोग अलग अलग हो गए, कोई अलग रूट पर चला गया है और कोई, तो मैं भी अलग रूट पर अकेले जा रहा हूँ अपने यहाँ से कर। सो रास्ते में थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो शूट किया तो वो भी आप ब्लॉग में डाल दूंगा, अदरवाइज समझ सकते हैं। सो मैंने रेस कोर्स वाला रूट लिया है, अभी हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं एंड यहाँ से हम लोग लोअर पॉली फिनिक्स से होते हुए एल्पिशन से निकलेंगे टूवर्ड्स ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड वहाँ से घाटकोपर। सो मिलता हूँ आपको आगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे महालक्ष्मी रेस कोर्स है, अभी हम हाई स्पीड फिनिक्स क्रॉस कर रहे हैं। सो अब मैं ये एल्पिशन ब्रिज पर चढ़ रहा हूँ, ये ब्रिज खत्म होते ही मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं घाटकोपर के लिए कंटिन्यू करूँगा। तो आप देख सकते हैं घाटकोपर का साइन बोर्ड दिख रहा है, हम लोग बस थोड़ी दूर है घाटकोपर से। घर पहुंच जाऊंगा। 11:30 स्टार्ट किया था, अब ऑलमोस्ट 2:45 हो गया है, घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। देख सकते हैं कितना एनर्जी लगा है, सांस भी थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है। चलिए बस, अब मैं नवरोजी लोन में एंटर कर गया हूँ, यहाँ से मेरा घर हार्डली 2 मिनट्स है, जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा मैं। मेरे चेहरे पर खुशी देख सकते हैं घर पहुंचने की। हाँ, अब जाके आराम मिलेगा। एग्जैक्ट 3 बज रहा है, अपनी राइड कंप्लीट हो गई है, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अभी, जल्दी नए व्लॉग में मिलेंगे।